हेलो जी, सत श्रीकाल आदाब, नमस्ते, एक बार फिर स्वागत है मिस्टर सिंह चैनल पर एंड आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। सो अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, जैसे कि आपको मालूम है, बंद हैं, वो एक हफ्ते के लिए दोबारा एक्सटेंड कर दी गई हैं। तो अभी 3rd of September तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं नहीं चल पाएंगी, अभी तक बंद हैं, और 3rd of September के बाद ही पता चलेगा कि आगे की क्या अपडेशंस है। तो अगर ग्रीस की बात करें तो अभी तक ग्रीस एम्बेसीज ओपन हो चुकी हैं, पुरानी फाइल्स को ही असेस करेंगे, और उसके बाद नई फाइल्स अभी तक नहीं सबमिट हो रही, ना ही अपॉइंटमेंट्स मिल रही है। अपॉइंटमेंट्स के लिए विंडो अभी बंद है, जैसे ही अपॉइंटमेंट शुरू होंगी वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, राइट। तो शेंजन वीज़ा के अंदर सिर्फ स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के ही वीज़ा लग रहे हैं, बट अगर बात करें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की, तो वो डायरेक्टली फ़्लाइट्स कोई भी नहीं चल रही, राइट। दुबई का टूरिस्ट वीज़ा ओपन हो चुका है, अगर आप दुबई टूरिस्ट वीज़ा लगाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर आपने दुबई टूरिस्ट वीज़ा पर जाना है तो आपको किसी दूसरी कंट्री के अंदर 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा, आफ्टर दैट आप दुबई के अंदर टूरिस्ट वीज़ा लेकर जा सकते हैं। तो अभी भी मैं काम पर हूँ, ठीक है, एक्चुअली टाइम नहीं मिलता तो, बट टाइम निकाल कर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग अपडेट रहें न्यूज़ के साथ, ठीक है। ग्रीस का वीज़ा एम्बेसीज जो ओपन हो चुकी हैं बट अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे, राइट। स्विट्ज़रलैंड के लिए वीज़ा चल रहे हैं, लग भी रहे हैं, फ्रांस के लिए वीज़ा चल रहे हैं, राइट। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर प्रोफाइल अच्छी है तो, और उसके बाद अगर दुबई के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हो दुबई भी आप जा सकते हैं, बट 14 दिन के लिए किसी दूसरी कंट्री के अंदर आपको स्टे करना पड़ेगा, आफ्टर दैट दुबई आप जा सकते हो। तो ऐसे ही अपडेट रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर आपको अपडेट करता रहूं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।